For all the latest updates, subscribe to Newsline. Sports activities and sports classes, which were closed in Poonch because of nationwide lockdown, resumed after almost 3 months. Several sports enthusiasts had come to the ground for practicing in the early morning. Several boys were seen playing volleyball and other games by maintaining social distancing. The government has issued certain guidelines like social distancing and other safety measures that need to be followed while playing sports. Volleyball coach Mohammed Tariq said that more number of people must come out and participate in sports activities as it would help to increase the immune system. गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है वो अलो किया है, तो उस सिलसिले में आज हमने जो है अपनी ग्राउंड जो है उसमें फिर से चालू की है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 जो है, इससे बचने के लिए मैं समझता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि कोई मेडिसिन अभी नहीं है, तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम मैं समझता हूं कि जब तक बच्चा ग्राउंड में आएगा, वो एक्सरसाइज करेगा, तो नेचुरली है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। The volleyball coach also said that coming to the ground and participating in sports activities would also help in boosting mental health of the students. Most students were locked at their homes for the past 2 to 3 months because of COVID-19. मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा जो सोर्स है इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो वो ग्राउंड है, एक्सरसाइज है, ताकि वो बच्चा जो है वो अपनी एक्सरसाइज करे, अपने आप को स्ट्रांग करे। और दूसरी बात ये है कि हमारा यूथ जो है ये स्पोर्ट्स में आएगा, ग्राउंड में आएगा, ये स्ट्रांग होगा, तो हमारी कंट्री जो है, हमारा मुल्क जो है वो भी स्ट्रांग हो। जैसे आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हु हैड कम आउट टू प्ले एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिज्यूम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड सेड दैट दे वुड फॉलो ऑल द सेफ्टी मेजर्स। बल्कि पूरी दुनिया में ये जो लॉकडाउन लगा हुआ था, इसकी वजह से सबके कारोबार बंद हो चुके थे, और हमारे हिंदुस्तान में लगभग कोई 10 दिन हो चुके हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ आस्ता आस्ता खुल रहा है। जैसे कि हमारा ग्राउंड भी पिछले 3 महीने से बंद था, आज खुला है, हम बहुत खुश हैं, सब खुश हैं, आ रहे हैं आस्ता आस्ता। और जितना हमें हो सके कि हमें अपनी जो प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताई हुई हैं हम वो फॉलो करें, और जितना हो सके सोशल गैदरिंग से बचें। One of the volleyball players said that they were in good form before the lockdown but had forgotten everything because of the lockdown. और हम अब 2 महीने के बाद मतलब काफ़ी खुश हो रहे हैं कि हम घर से बाहर निकले हैं और ग्राउंड में वापस आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारी शुरू हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम जितने मतलब लड़के हमारे जो नए थे, थोड़ा पीक पे आए थे इस 2 महीने के मतलब विदाउट प्रैक्टिस में, काफ़ी मतलब प्रैक्टिस में उनकी मतलब कमी आई है, तो अब खुश हम बहुत खुश हुए कि हमें मौका मिला वापस अपनी गेम वापस पीक पे लाने का। प्लेयर्स आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट दे विल गेट बैक इन फॉर्म एज द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन परमिशन टू रीस्टार्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़।